हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे हो। ठोक दिया ठोक दिया ठोक दिया, यादव बोला टेम्पू ना भाई, याद ठोक दिया भैया जी को। तो फिलहाल है भैया हम भूतनाथ में, और भूतनाथ से लेके चलेंगे आपको रामकृष्ण नगर की तरफ, और दिखाएंगे कि पटना में देखो क्या अपडेट चल रहा है। देखिए कि इधर का अपडेट पूरा तगड़ा अपडेट चल रहा है, पूरा बड़ा बड़ा पिलर बन चुका है, एकदम लंबा लंबा पिलर। भूतनाथ से थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं और इतना सारा काम देखने को मिल गया, और भूतनाथ से पूरा रामकृष्ण नगर तक आपको लेके जाएंगे। एकदम नॉन स्टॉप वीडियो रहेगा, एकदम नॉन स्टॉप वीडियो। अभी ज्ञान गंगा के पास है, ज्ञान गंगा लिमिटेड, जिसमें पतंजलि का एक बहुत बड़ा स्टोर है। और ये देखिए पिलर नंबर एक लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए ये वाला पिलर देखिए चम्मच के स्टाइल में है गाइस। ये सब स्टेशन का पिलर है, पियर कैप लिखा हुआ है इस पर, CP73 लिखा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का नंबर है, CP73 CP72। लेकिन ये सब गोल वाला देख रहे हैं, इसमें पिलर नंबर 1-2 से हम स्टार्ट किए हैं, खेमनी चक के पास से, और रामकृष्ण नगर तक आपको ले जाएंगे और पूरा व्यू दिखाएंगे कि खेमनी चक के बीच से लेके रामकृष्ण नगर के बीच में पटना मेट्रो का क्या काम चल रहा है। देखिए इस साइड बन रहा है ना पटना मेट्रो का पिलर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड इधर स्टेशन का पिलर रहेगा, इधर स्टेशन बनाया जाएगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर पिलर आप लोग देखते हैं आई थिंक वो स्टेशन का ही पिलर रहता है। हालांकि इस पिलर में भी बहुत कुछ काम बाकी है, यहाँ पे पियर कैप लगेगा, अभी तो बस पिलर का ढांचा तैयार करके छोड़ दिया गया, अभी इसे पियर कैप लगना बाकी है, स्लैब रखाना बाकी है, बहुत काम बाकी है। और ये देखिए बच्चा मेरे को देख रहा था कि भैया एक कैमरा में बोल रहे हैं या फिर अपने आप बोल रहे हैं। तो ये देखिए बड़े हम आ गए हैं भैया फोर्ड हॉस्पिटल के पास, और फोर्ड हॉस्पिटल के पास आइएगा ना तो यहाँ पे आपको एकदम सामने दिखेगा दो दो सेक्शन में पटना मेट्रो एकदम। ये देखिए एक ये और एक ये सेक्शन है, बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है भैया काम करने के लिए, बड़ा बड़ा क्रेन लगा हुआ है, ये सब जब स्लैब देख रहे हैं इसको उठाने के लिए, ये बड़का बड़का ऑरेंज वाला क्रेन देख रहे हैं, नहीं सब काम आता है, उठा के स्लैब को रखता है। और खेमनी चक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है ना गाइस जो काफ़ी बड़ा स्टेशन होने वाला है, और काफ़ी जिगजैग स्टेशन होने वाला है, यहाँ से भी पटना मेट्रो को हर दिशा में खेमनी चक मेट्रो स्टेशन जोड़ेगी। पहला स्टेशन जोड़ेगी बैरिया बस स्टैंड, दूसरा जोड़ेगी रामकृष्ण नगर के तरफ, और तीसरा जोड़ेगी मलाही पगड़ी की तरफ। ये फेज वन का अपडेट है गाइस, फेज वन का अपडेट है, इसको अगले साल अगस्त तक किसी हाल में स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि नोटिस आ चुका है कि अगस्त 2025 तक फेज वन का काम शुरू हो जाना चाहिए, फेज वन पे पटना मेट्रो जो है वो दौड़ने लगनी चाहिए। फेज वन में कौन कौन सा स्टेशन आएगा गाइस? तो बैरिया आएगा, बैरिया के बाद भूतनाथ आएगा, भूतनाथ के बाद खेमनी चक आएगा, खेमनी चक के बाद मलाही पगड़ी आएगा, यही सब स्टेशन जो है वो आपका आने वाला है गाइस फेज वन में। और काफ़ी तगड़ा वाला काम चल रहा है, इधर देखिए आगे हैं खेमनी चक मोड़ पे, और खेमनी चक मोड़ पे भी देखिए पिलर नंबर 59 के पास आए हैं, ये वाला पिलर नंबर 59 है, और इधर का पिलर नंबर 13 है, यानी 13 को पिलर हम लोग क्रॉस कर चुके। और यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है दोनों का, एक ये सेक्शन जा रहा है और एक ये सेक्शन जा रहा है, दो मेट्रो इस पर दौड़ेगी और दो मेट्रो इस पर दौड़ेगी, तो क्या लुक आएगा भैया, एकदम तगड़ा वाला लुक आएगा। देख रहे क्या लुक आ रहा है गाइस दोनों तरफ से, इस पर दो मेट्रो दौड़ेगी और इस पर दो मेट्रो दौड़ेगी, और जब ड्रोन शॉट आएगा तो क्या तगड़ा वाला आएगा, एकदम खतरनाक ड्रोन शॉट आएगा। और खेमनी चक से आगे बढ़े 90 फीट की तरफ, तो यही कुछ अपडेट हमको देखने को मिल रहा है गाइस। दोनों तरफ स्लैब वर्क हो चुका है, पिलर बन चुका है, इधर का पिलर थोड़ा लंबा है और इधर का पिलर थोड़ा शॉर्ट हाइट है गाइस, मतलब राइट हैंड साइड का मेरा पिलर जो है वो ऊँचा है और लेफ्ट हैंड साइड का पिलर थोड़ा डाउन है गाइस। और क्या ज़बरदस्त लुक आएगा, हालांकि मेरे पास अभी ड्रोन नहीं है, वरना हम ड्रोन फुटेज आप लोगों को भी दिखाते, काफ़ी तगड़ा आता है। और ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊंचा है, फिर उसके बाद ये पिलर नीचा हो गया, इस पर एक और पियर कैप लगेगा ना गाइस, तो वो उस वाले पिलर के लेवल में आ जाएगा, ऐसा कुछ सीन होता है पटना मेट्रो का। इधर देखिए कि पिलर नंबर पूरा बनाया जा रहा है, पिलर लंबा लंबा खींचा जा रहा है, ये अप्रोक्स 50-60 फीट का पिलर है गाइस, कह सकते हैं 50-60 फीट का पिलर, 90 फीट के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए 90 फीट का एरिया है, यहाँ से पटना मेट्रो एक मलाही पगड़ी की तरफ चला जाएगा, जो भूतनाथ की तरफ से पटना मेट्रो बनते आ रहा है वो 90 फीट से एक चला जाएगा आपका मलाही पगड़ी की तरफ, और दूसरा पटना मेट्रो आपका सीधा चला जाएगा जिधर हम जा रहे हैं उधर चला जाएगा रामकृष्ण नगर की तरफ। देखिए पिलर भी पूरा बनाया जा रहा है, ये वाला पिलर जो आप देख रहे हैं ये सारा पिलर रामकृष्ण नगर की तरफ चला जाएगा, ये फेज टू का काम है, फेज वन का काम नहीं है गाइस। और बीच बीच में स्लैब भी रख दिया गया है, कई कई जगह पर स्लैब रखा गया है बीच बीच में, और कई कई जगह पर पिलर को खाली छोड़ दिया गया, मतलब अगर स्लैब आ गया भाई पिलर काम नहीं हुआ है तो अपना जहाँ पे पिलर बना हुआ है वहाँ पे पिलर को रख दिया गया है। बढ़िया का 90 फीट से आगे जगनपुरा की तरफ
तो आपको पटना मेट्रो का काम दिखेगा डिवाइडर के पास, मतलब जो डिवाइडर होता है बाईपास दोनों पर लेन के बीच में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर को तोड़ फोड़ के पिलर का निर्माण किया जा रहा है जो बोर्ड के उस तरफ हो रहा है। हालांकि दिख नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड घेरा हुआ है, हालांकि दिख रहा है सरिया वरिया लगा हुआ है, सरिया में जंग वंग खा रहा है, हालांकि वही सब अभी दिख रहा है। और ये जगनपुरा के पास हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे अमूमन जाम लगता है, एक तो सुबह के टाइम और एक छुट्टी के टाइम। अभी तो फिलहाल जाम नहीं लगा हुआ है, तो अभी आगे बढ़ते हैं रामकृष्ण नगर की तरफ और पूरा रामकृष्ण नगर तक आपको अपडेट देंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो ये देखिए बढ़ गए हम रामकृष्ण नगर की तरफ जगनपुरा से आगे, और इधर भी वही काम चल रहा है, दोनों रोड के बीच में जो डिवाइडर रहता है उस डिवाइडर को तोड़ने का काम चल रहा है, और डिवाइडर टूट जाएगा उसके बाद उस पर पिलर बनाने का काम किया जाएगा। कोई की जगह पे पिलर बन चुका है, कई की जगह पे पिलर के बाद उस पर पियर कैप भी रखा चुका है, पियर कैप के बाद उस पर स्लैब वर्क भी हो चुका है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं हुआ है, ऐसा कोई कोई जगह हुआ है। अब बढ़िएगा ना, जगनपुरा से आगे शिवम कॉन्वेंट के साइड, चांगर के साइड, रामकृष्ण नगर के साइड, तो आपको ये सब दृश्य जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे पिलर बनाया जा रहा है, डिवाइडर पे पिलर बनता है, पिलर की तैयारी चल रही है, रेड वाला जो देख रहे हैं बड़ा वाला मशीन, ये पिलर ही करता है गाइस। जैसे यहाँ पे देखिए गाइस शिवम कॉन्वेंट के पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड तो पिलर का काम कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर पिलर का काम आई थिंक नहीं होगा, इधर पिलर का काम बीच में होगा। जो आप डिवाइडर देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट वाला डिवाइडर, ये डिवाइडर को तोड़ा जाएगा। पहले तो इसको पटना मेट्रो के बोर्ड से घेरा जाएगा, फिर घेरने के बाद अंदर में काम किया जाएगा तोड़ने का। और ये देखिए यहाँ पे शिवम कॉन्वेंट के पास भी स्लैब रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पिलर का काम कंप्लीट था, तो यहाँ पे सोचा चलो भाई स्लैब रख के थोड़ा लोगों का मन जीतते हैं कि भैया इधर पटना मेट्रो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। लेकिन गाइस आप लोग को बता दें कि फेज टू का काम है, इसको बनने में 2030 से कम नहीं लगने वाला है, ये हम बोल रहे हैं आपको, क्योंकि फेज टू का काम बहुत बड़ा काम है, और फेज टू का काम अंडरग्राउंड काम है गाइस, अंडरग्राउंड काम में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अभी बढ़िएगा ना गाइस रामकृष्ण नगर के मोड़ पे आइएगा, चांगर से आगे बढ़िएगा रामकृष्ण नगर के आसपास, और ये देखिए भैया तोता, और रामकृष्ण नगर के आगे बढ़िएगा चांगर के आसपास, ये देखिए कि पूरा आपका पटना मेट्रो का पिलर जो है बना हुआ है, ये देखिए तकड़ा सब स्टेशन पिलर है, स्क्वायर वाला पिलर स्टेशन पिलर होता है, यहाँ पे स्टेशन बनाया जाएगा। और रामकृष्ण नगर से बढ़िएगा आगे, अभी हम रामकृष्ण नगर के पास पहुँच गए मोड़ पे देखिए, और रामकृष्ण नगर से बढ़िएगा आगे गाइस, तो रामकृष्ण नगर से आगे बढ़िएगा ना, तो इधर भी पिलर का तो काम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन पिलर का तो काम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन पिलर बन चुका है उसका काम दिखेगा। ये देखिए इधर पूरा पिलर जो है वो बन चुका है, और इधर वन ही लेन रहेगा, इधर टू लेन आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं बनाया जाएगा, इधर टू लेन, इधर वन ही लेन रहने की संभावना है। देखिए पूरा पिलर जो है आपका बना हुआ है यहाँ से लेकर बिगड़ापुर तक, और 90 नंबर पिलर बिगड़ापुर पे जाके एंड हो गया। और ये देखिए भैया हाथी मेरे साथी, वाह भैया क्या जबरदस्त सीन है, वाह वाह वाह। तो देखिए भैया आगे बढ़े हैं रामकृष्ण नगर से, आगे आ गए हैं अब रामकृष्ण नगर से काफ़ी आगे आ गए हैं, बिगड़ापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इधर देखिए कि पूरा पिलर बना हुआ है, पिलर कैप बना हुआ है, स्लैब वर्क सब चीज़ चुका है, और यहाँ पे आके काम अटका हुआ है, और काम अटकने का रीज़न आप लोग को बताया गया गाइस, यहाँ पे पिलर बन चुका है पिलर नंबर 90, और पिलर नंबर 90 के आगे 91, 92, 90 पिलर नहीं बना है, और नहीं बनने का रीज़न यही है कि आगे में घर को तोड़ना बाकी है गाइस। बिगड़ापुर के पास बहुत सारा घर टूटेगा, इसलिए ये पिलर यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है। आगे जो आप घर देख रहे हैं, जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं आम्रपाली हॉस्पिटल और जॉनसन हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, एक कोहलर का शोरूम देख रहे हैं, ये सारा टूटेगा। और ये जो आप ओयो देख रहे हैं, ये ओयो भी टूटेगा, माँ कमला उत्सव हॉल भी टूटेगा, उसका भी अपडेट आप लोगों को बहुत तगड़ा वाला देंगे जब टूटने का काम होगा, उसका अपडेट हम वैसे दिए हैं, लेकिन जब टूट जाएगा ना गाइस तो आपको दिखाएंगे कि बिगड़ापुर के पास पटना मेट्रो का पिलर आगे बंद क्यों हो गया था, क्यों आगे काम नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारा घर तोड़ना जो है वो बाकी था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस। बाय बाय।